इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन आदाब, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अशफाक अहमद मड़की इत्तेहाद न्यूज़ के माध्यम से कुछ एक समाजी मसाइल को लेके आपके रूबरू पेश होता हूँ, और आज हम एक और समाजी मसले को लेकर आपके सामने रूबरू हैं कि कामयाबी और दौलत के मिलने पर क्यों लोगों के सोच में बदलाव होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कड़ी मुशक्क़त और मेहनत से इंसान को कामयाबी और कामरानी मिलती है। यकीनन कड़ी मेहनत और मुशक्क़त से कामयाबी मिलती है, पर यह बात हमें जहन नशीन करने की ज़रूरत है कि कामयाबी और कामरानी में तकदीर और कुदरत का भी बड़ा दखल है, क्योंकि बाज़ मरतबा मेहनत और कोशिश दूसरे शख्स की भी उसी फील्ड या शोबे में ज़्यादा होती है कामयाब इंसान से भी, पर फिर भी कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि कुदरत की मंशा नहीं होती। पर अफसोस कि अक्सर कामयाब लोग ये समझ बैठते हैं कि कामयाबी बस इन्हीं की मेहनत और मुशक्क़त से मिली हुई है। हकीकत में देखा जाए तो किसी की कामयाबी के पीछे कुदरत की इन रिटर्न इंसानियत की खिदमत की मंशा होती है, जिसको पूरा करना कामयाब इंसान की जिम्मेदारी होती है। पर अफसोस हर कामयाब इंसान कामयाबी के नशे में इतना चूर हो जाता है कि दूसरों को कमतर और उनकी ज़िंदगी में कामयाबी के कम होने पर कोसने लगता है। जब कोई ज़रूरतमंद इनके पास मदद के लिए आता है तो इनका बर्ताव उस ज़रूरतमंद के साथ बड़ा तकबुराना और घमंड वाला होता है, जैसे कब तलक इनकी मदद करते रहें, इनको ऐसे ही आदत पड़ेगी, क्यों मेहनत ज़्यादा नहीं करते, ऊपर वाले ने इनकी नस देखकर नस्तर काटा है, इनकी करनी के बिना पर अल्लाह ने इनको ऐसा रखा है, वगैरह वगैरह। बाज़ मरतबा तो इतने मगरूर बन जाते हैं और कामयाबी के नशे में इतने चूर होकर यहाँ तक कहने लगते हैं कि मैं नाकाम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बार बार मदद पूछने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, झूठ को बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह वगैरह। असल में सच तो ये है कि बर्दाश्त तो किसी की कमी और खामियों को ही करना है, अच्छाइयों को तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही कहाँ है। खैर, अक्सर लोग अपने आप को सही समझ कर अपनी असल जिम्मेदारी से पड़ला झाड़ने की कोशिश करते हैं जो असल में कुदरत ने कामयाबी के बदले में दे रखी है। बस हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कामयाबी और दौलत अल्लाह ताला ने इंसानियत की खिदमत के लिए दे रखी है, ना कि इस पर गुरूर करने या इतराने के लिए। बास लोग तो दौलत को जमा करने में ही लग जाते हैं, जो कि न उनके लिए काम आती है न ज़रूरतमंदों के लिए, और तो और आखिरत में हिसाब किताब और जवाबदाही अलग। इसलिए हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि कामयाबी और दौलत सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क यानी इंसानियत की खिदमत के लिए दी गई है, और कामयाबी और दौलत के मिलने का इन्हिसार तकदीर और कुदरत की अता पर है, न कि सिर्फ मेहनत और कोशिश पर। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। इत्तेहाद न्यूज़ की और ख़बरों के लिए आप इत्तेहाद न्यूज़ देखते रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।